यू हैव टू साइन अ डॉक्यूमेंट, वो जब भी आप वर्क फ्रॉम होम का, वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज्यादा आजकल क्वेश्चन आता है, बहुत लोग काम भी कर रहे हैं और दैट वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव इफ दे कैन गेट, उसको हम कहते हैं T2200 एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट वो लोहर नहीं करता आपकी इनकम, वो सिर्फ क्रेडिट देता है कि जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा अगर इनकम होगी। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, डिडक्शन आपकी इनकम लोअर करता है, क्रेडिट सिर्फ आपको हेल्प करता है रिफंड जनरेट करने में। ओना अप्रैल के संडेज में हम $10 का टैक्स कर रहे हैं पर फैमिली, तो जो भी कोई लो इनकम में फॉल करता है अंडर 50,000, कोई स्टूडेंट है, सिंगल पेरेंट है, सीनियर्स हैं, विजिटर्स हैं, वर्क परमिट में हैं, जिन लोगों की भी इनकम 50,000 से कम है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ बी लाइन पर, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद हैं साइमा अरशद और खुर्रम साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आप सबको पता है कि टैक्स सीज़न चल रहा है, और तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का, आप मुझे पता है बहुत बिजी टाइम है और आप लोगों ने टाइम निकाला। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत से न्यू कमर्स भी आते हैं कैनेडा में और वैसे भी, तो स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। आप पहले तो ये बताएँ कि टैक्स फाइल करना कैनेडा में क्यों ज़रूरी है? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। टैक्स इसलिए ज़रूरी है जी, यहाँ पे इस कंट्री में बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं जो टैक्स फाइलिंग के बेस पे मिलने हैं। आपकी इनकम कितनी है और जब आप फाइल करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, उसके बेस पे आपका चाइल्ड केयर बेनिफिट डिसाइड होगा, उसके बेस पे आपको GST मिलेगी, और फाइलिंग के बाद आपको अब नया बेनिफिट है जो कार्बन टैक्स क्रेडिट का, वो भी मिलेगा। और फिर हम उसे कहते हैं रिफंड, कि अगर आप काम कर रहे हैं और उस पर आपको अगर रिफंड गवर्नमेंट से वापस लेना है, वो तभी आपको मिलेगा जब आप सबमिट करेंगे अपना टैक्स। इसकी जो मोस्टली डेट्स हैं, फरवरी के मोस्टली थर्ड वीक में शुरू होता है और 30 अप्रैल तक पर्सनल टैक्स जो है वो फाइल होना होता है। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड का 15 जून तक होता है, लेकिन जो टैक्स पेमेंट है वो आपने 30 अप्रैल तक देनी होती है। सही है। अच्छा, अब आप बताएं कि जो टैक्स की परसेंटेजेस हैं, जिनको ब्रैकेट्स की बात कर लें जी, वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं, फेडरल और प्रोविंशियली क्या ब्रैकेट्स हैं? अल्बर्टा की अगर हम लोग बात करें, मार्जिनल एक यूज होता है वर्ड टैक्स रेट, या फिर वो क्या होता है? अगर आप अल्बर्टा में फ्लैट 10% है आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर, और जो फेडरल लेवल पे है वो मिनिमम 15 है, और अल्बर्टा का आप मिला लें 10 तो 25 हो जाता है। तो फेडरल पे ही हम बात करेंगे ज़्यादा, कि वो टीयर्स जो हैं वो आपके किस तरह चेंज होते हैं। फेडरल $50,000 तक आपका 15% उसमें रहता है, प्लस 10 प्रोविंशियल, और उसके बाद 50 से 100,000 तक आप 20 पे चले जाते हैं, जो 30.5 हो जाता है। फिर 100 से ऊपर 155 तक 26 है, फिर 221 तक 29 है, और फिर 33 है उससे ऊपर। और इसी तरह जब आप जितना हाई आप देते हैं, आपकी सिर्फ जो एक्स्ट्रा इनकम है वो हाई टैक्स पे जाती है। ये नहीं होता कि आपकी सारी इनकम पे वो 30% लग जाएगा या 40% लग जाएगा, वो जस्ट टीयर्स हैं। जब आप उस टीयर्स में जाते हैं तो फिर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में जाते। अच्छा, ये जो मार्जिनल टैक्स का कहा जाता है वो फिर हम इस टर्म में यूज करते हैं कि ओवरऑल आपने अगर 100 कमाया है तो आपको एंड अप कितना पड़ा। वैसे तो मैंने कहा ना वो फिर 30% में चला गया, लेकिन इट एंड अप्स मार्जिनल उसका 22% हो जाता है। सो क्योंकि वो लो इनकम और जो नहीं टैक्स लगा और जो अमाउंट लग गई तो वो अमाउंट उधर आ जाती है। ओके, साइम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस टॉपिक के हवाले से, या फिर मैं नेक्स्ट अपने उस पे जाऊं क्वेश्चन? नहीं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सही सही, फॉर श्योर। अच्छा, हमारे जो डिडक्शन होती है पे स्टब, अगर मैं जो भी न्यू कमर है, हमारा जो भी पे स्टब आता है उसमें टैक्स डिडक्ट होता है, तो टैक्स वो जो टैक्स डिडक्ट होता है वर्सेस व्हाट वी हैव टू फाइल, इसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे क्या डिफरेंस है? टैक्स डिडक्शंस होती हैं आपकी जो भी आपने TD1 फॉर्म जब आप जॉब पे हायर हो रहे थे भर के उन्हें दिया है। अगर उसमें आपने कहा है कि स्पाउस काम नहीं करता, या आपके पास स्टूडेंट क्रेडिट हैं, या किसी और किस्म की क्रेडिट्स हैं सच एज डिसेबिलिटी है किसी की, तो वो हम फॉर्म भर के दे देते हैं कि भी हमारा एज ऑन पे रोल टैक्स कम काटिए।
तो फिर आपकी डिडक्शंस कम होती हैं और ऑब्वियसली देन जब आप फाइल करेंगे तो आपको मे बी रिफंड ना आए और इनकम ज़्यादा आती तो हो सकता पे भी करना पड़े। तो वो टैक्स क्रेडिट्स हैं। डिडक्शंस होती हैं जो आप अपनी इनकम की टॉप ब्रैकेट पे लेते हैं, जिसमें बड़ी नॉर्म है RRSP की, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप अगर जॉब पर्सन है तो और आपके पास कोई खास टूल्स नहीं है जिसपे आपको डिडक्शंस मिलनी है। डिडक्शन लेट्स से अगर आप की फैमिली साइज है और आप लो इनकम में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आप RRSP में पैसे कंट्रीब्यूट करें, उस पर आपको टॉप ब्रैकेट पे आपके डिडक्शन मिलेगी एंड यू मे फॉल अंडर लो इनकम कैटेगरी जहाँ पे आप और बेनिफिट्स, वाइट कार्ड है, बस पासेज हैं, YMCA की मेम्बरशिप है, सच एज GST क्वालिफिकेशन है, यू मे फॉल इन दैट एंड यू क्वालिफाई फॉर दैट। तो वो डिडक्शन का ऑन टॉप ब्रैकेट बड़ा पॉजिटिव रोल है, आपको ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में मिलती है एंड देन यू क्वालिफाई। इस साल अब लास्ट ईयर लाइक 2023 का टैक्स FHSA फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट अनाउंस हुआ जिसमें 8,000 लिमिट है। आई प्रेफर पीपल टू पुट इन देयर फर्स्ट फिर RRSP में डालिए क्योंकि उसकी अच्छा टैक्स डिडक्शन है। क्रेडिट आपको जैसे डिसेबिलिटी की मैंने बात की, मेडिकल अगर आपका एक्सपेंस $2,000 बेस्ड ऑन इनकम है लेकिन $2,000 से ज़्यादा है, यू कैन क्लेम दैट, उस पर भी क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट 15% का ही होता है फेडरल टोर पे और 10 अल्बर्टा का तो 25%। डोनेशन की आप ज़रूर उसे क्लेम करें, उस पर ऑलमोस्ट 45% आपको क्रेडिट मिल जाता है, वापस आ जाते हैं, वो प्योर टैक्स डॉलर्स हैं। और इसी तरह डिसेबिलिटी है, ट्यूशन क्रेडिट वो भी इसी तरह होता है, जो बच्चे खासकर फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं उनका काफ़ी ट्यूशन क्रेडिट जनरेट होता है जो आपको फ्यूचर में मे बी हेल्प करता है। व्हेन एवर यू विल हैव टैक्सेबल इनकम तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो ही जाता है। बहुत से जो इधर के रेजिडेंट किड्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दे कैन पास ऑन दैट क्रेडिट टू देयर पेरेंट्स फाइल and get the money from parents. अच्छा क्रेडिट्स की आपने बात की तो आप ये भी बता दें कि हाउ, अगर मैं पूछूं जो न्यू कमर्स स्पेशली हैं यहाँ पे, हाउ क्रेडिट्स आर जनरेटेड और उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है आपके टैक्सेस पे? देखिए क्रेडिट मेनली तो एक तो मिलता है हर इंडिविजुअल को जो ओवर 18 है। इस साल 2023 के टैक्स में वो $15,000 का है। उसके बाद अगर इसी तरह का कोई पेरेंट्स को आया है स्टूडेंट्स की मत में तो वो आपको 15% फ्लैट उसका क्रेडिट मिलेगा। डोनेशन की है उसका मिलेगा, कोई डिसेबिलिटी है हाउस होल्ड में किसी बच्चे की इंडिविजुअल की उसका हैंडसम क्रेडिट है। और क्रेडिट इज मोस्टली नॉन रिफंडेबल, अगर आपकी इनकम नहीं है तो वो जो क्रेडिट है उससे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। डिडक्शन अगर आपके टैक्स की हो रही है तो वो मस्ट आपको रिफंड देगा एक्स्ट्रा, अदरवाइज वो डिडक्शन हो नहीं सकती या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। वो डिडक्शन में आएगा, क्रेडिट लोअर नहीं करते। आपकी बेनिफिट्स के लिए क्रेडिट बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट वो लोअर नहीं करता आपकी इनकम, वो सिर्फ क्रेडिट देता है कि जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा अगर इनकम होगी। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। डिडक्शन आपकी इनकम लोअर करता है, क्रेडिट सिर्फ आपको हेल्प करता है रिफंड जनरेट करने में ऑन अ बेस अमाउंट। ओके, अच्छा 2024 की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर से जो लोग अभी टैक्स फाइल कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपने जैसे डोनेशंस की बात की वो आप फाइल कर सकते हैं, और क्या चीज़ें जो कि आप फाइल कर सकते जो हैं, क्लेम कर सकते जो ऐड ऑन है वो फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट है नया जो डिडक्शन ऐड हुई है प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंस में। आई जस्ट हर्ड सम होम बायर का क्रेडिट 21 मार्च से ख़त्म हो रहा है जो नेक्स्ट ईयर में आया कि में अफेक्ट होगा। तो हूएवर इज बाइंग द होम $1,500 का क्रेडिट अगर 21 से पहले पहले ले ले इस साल तो वो एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। अदर देन दैट कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कुछ नया ऐसा इम्पैक्ट है। बाकी RRSP और डोनेशंस दीज आर ऑन कमिंग थिंग्स। जी RRSP से आने से पहले मुझे वो मैंने पढ़ रहा था फ्लैट रेट जो वर्क फ्रॉम होम का था वो ख़त्म किया है और यू हैव टू साइन अ डॉक्यूमेंट वो जब भी आप वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन आता है, बहुत लोग काम भी कर रहे हैं और दैट वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव इफ दे कैन गेट
उसको हम कहते हैं T2200 एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपका एम्प्लॉयर वो फॉर्म कुछ 4 पेजेस का फॉर्म है अगर, और बेस्ड ऑन व्हाट दे फिल इन वो फॉर्म आपका एचआर आपको दे देता है, आपका एम्प्लॉयर दे देता है, उसकी बेस पे आप डिडक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिडक्शंस में मोस्टली योर होम यूज सम परसेंटेज, अगर 20% आप एक रूम में आपने ऑफिस बनाया हुआ है, यूटिलिटी बिल्स, इंटरनेट मेनली, फोन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका रोल ऐसा है जॉब का, तो योर एम्प्लॉयर विल फिल दैट फॉर्म इन, और वो फॉर्म जिस तरह से उन्होंने फिल हुआ हुआ दिया देंगे उसकी बेस पे आप ले सकते हैं। जो सिंप्लीफाइड मेथड अनाउंस हुआ था वो कोविड के लिए था सिर्फ, कि कोविड की वजह से आप घर हैं, उसमें भी फिक्स डेज थे, तो अब उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो पहले भी होता था वो मोस्टली एम्प्लॉयर्स से लेके आ रहे हैं, मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं लेके, उसकी बेस पे वो फिर डिडक्ट फाइल होता है, एंड डेफिनेटली दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा मनी इन रिफंड। परफेक्ट, थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आरआरएसपी के हवाले से, उसकी बता दें आरआरएसपी की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या चीज़ें हैं आरआरएसपी के अलावा जो हम लोग एज अ टैक्स फाइल करके उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं टू लोअर अवर टैक्स। देखिए खासकर इंक्रीज अवर, हाँ जी, रिफंड खासकर जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट है और अगर वो हाई टैक्स ब्रैकेट में है, तो देर आर नॉट मच टूल्स अदर देन जो बिजनेस ओनर्स को अवेलेबल होते हैं कि आप टैक्स किस तरह बचा सकते हैं। तो आरआरएसपी इज अ वेरी मेन प्रोडक्ट टू सेव फॉर रिटायरमेंट एज वेल एंड सेव द मनी इन अ टैक्स फ्री जोन। उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है वो टैक्स फ्री जोन में होती है। एंड आई ऑलवेज इनक्रेज आफ्टर एफ एच एस ए नाउ के अगर एफ एच एस ए का रूम फुल कर लिया है तो आप आरआरएसपी का कीजिए। वो भी आप पर पर्सन $35,000 अंडर होम बायर प्लान विड्रॉ कर सकते हैं फॉर योर डाउन पेमेंट। और अगर आप एज ए स्पाउस ये सारे बेनिफिट इस साल 2024 में यूज़ कर रहे हैं, यू कैन सेव अप टू $40,000 इन टैक्स। अगर आप 100,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं अपने फर्स्ट होम बायर के लिए बाइंग के लिए, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक इन वन ईयर। 40,000 इज अ वेरी बिग नंबर, एवरेज कैनेडियन जो है उसकी फुल ईयर की इनकम है, तो एंड यू आर पुटिंग द डाउन पेमेंट एनी वे, सो बाय टेकिंग इट थ्रू आरआरएसपी एंड एफएचएसए यू कुड सेव दैट मनी। और एंड दैट डिपेंड्स ऑन रूम, वेन एवर यू वॉन्ट टू विदड्रॉ यू कैन विदड्रॉ, बट दैट विल बी टैक्सेबल वेन एवर यू विल विदड्रॉ। और उसके बड़े सिनेरियोज हैं, समटाइम्स पीपल स्विच जॉब्स और दे लेट गो, तो वो रूम इस सिनेरियो में भी काम आ जाता है कि आपको बोनस मिलता है, वो बोनस अगर आप नहीं स्मार्टली उसे करेंगे तो आधे पैसे टैक्स में चले जाएंगे। तो वाई नॉट हैव दैट रूम अवेलेबल एज वेल कि आप उसको एक्स्ट्रा जो बोनस मिला है आप उसको उसमें डाल लें एंड देन विड्रॉ इफ यू नीड इट वेन एवर यू नीड द इनकम, बट आपके पैसे कोई स्टक नहीं है उसमें, यू कैन एक्सेस दैट। वेयर एज पेंशंस, पेंशंस आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं अनलेस यू आर लो इनकम एंड और यू आर डिसेबल, सो देर आर क्राइटेरियाज ऑन दैट। अच्छा, एक और मेरा बस क्वेश्चन आया स्टॉक्स के हवाले से, स्टॉक्स जिन लोग जो लोग करते हैं डील करते हैं उसमें किस तरह कैपिटल पे होता है, कैपिटल गेंस किस तरह? वो डिपेंड करता है, मेजोरिटी इज कैपिटल गेंस, समटाइम्स इट्स जस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम इट कुड बी, और वो भी फिर डिपेंड करता है कि आप किस अकाउंट के अंदर कर रहे हैं। नॉन रजिस्टर्ड है, मेरे पास क्रिप्टो के बहुत लोग आते हैं, क्रिप्टो का मेरा नेक्स्ट सवाल तो वो भी टैक्सेबल है वंस यू विड्रॉ इट, वंस यू कैश इट आउट, कैश इट आउट तो उसकी भी उसके ऊपर टैक्स लगता है। और एंड इट्स आईटी वाले आई कम अप, मोर पीपल आर डूइंग दैट एंड यस, लेकिन जो आपके टीएफएसए में है या रजिस्टर्ड सेविंग में है वो टैक्स में नहीं आते किसी, वो करेक्टर इन अदर वर्ड्स लूज कर देते हैं। 100% इनकम इज टैक्सेबल इफ इट्स इन आरआरएसपी, और टीएफएसए में वो आफ्टर टैक्स मनी है, वो टोटली टैक्स फ्री है, उसकी जितनी मर्जी ग्रोथ हो जाए उस पर कोई टैक्स नहीं। सिर्फ जो नॉन रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपको वंस यू अवेल द लॉस और प्रॉफिट आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। नहीं, बहुत शुक्रिया, ये आपने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये क्रिप्टो आजकल बहुत इन है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो माई सेल्फ इंक्लूडेड, वो जो है उसमें स्टॉक्स में और फिर क्रिप्टो में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। ऑफ कोर्स
एक इनकम जनरेटेड है, प्राइमरी काइंड ऑफ अ साइड हसल, इट्स अ गुड थिंग टू हैव. तो बहुत बहुत शुक्रिया. एट द एंड आप सहमत कुछ कहना चाहेंगे, आप अपना बता दें, लोग कॉन्टेक्ट करना चाहें किस तरह कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई आपके आने का इतने ख़राब मौसम में, वी हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. बी लाइन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि हम लोग का नाम भी इंडिकेट करता है, वी डू नॉट ओनली डू द टैक्सेस, जो भी पैसों से कुछ भी हो सकता है ग्रॉसरी के अलावा, मेरा ख्याल है सभी कुछ करते हैं. वी डू द रियल स्टेट, वी डू द टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, होम एंड ऑटो और पर्सनल लाइफ, डिसेबिलिटी क्रिटिकल, हर तरह की विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस अगर किसी को चाहिए, सुपर वीज़ा इंश्योरेंस किसी को चाहिए तो वो भी करते हैं. हमारे पास बहुत एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं ऑफिस में, अगर किसी के पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स मौजूद है, पर्सनल भी करते हैं. और सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट, जैसे खुरम साहब ने खुद भी बताया, ही इज़ सो एक्सपर्ट इन कॉरपोरेट बिजनेसिस वाले लोगों के लिए स्पेशली. तो अगर आपको घर खरीदना है, टैक्स कराना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस करनी है, या डिसेबिलिटी चाहिए, कई लोगों को चाइल्ड केयर का बेनिफिट का अप्लाई करने का नहीं पता होता, या बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट पेपर फिल करने का नहीं पता होता, तो वी कैन हेल्प इन एवरी एस्पेक्ट. और अप्रैल के संडेज में हम $10 का टैक्स कर रहे हैं पर फैमिली. तो जो भी कोई लो इनकम में फॉल करता है, अंडर 50,000, कोई स्टूडेंट है, सिंगल पेरेंट है, सीनियर्स हैं, विजिटर्स हैं, वर्क परमिट में हैं, जिन लोगों की भी इनकम 50,000 से कम है, $10 में हम उनका टैक्स फाइल कर रहे हैं अप्रैल के चारों संडेज. सो यू कैन जस्ट वॉक इन, वेस्ट विंड पे हमारा ऑफिस मौजूद है, बिल्कुल मिर्ची रेस्टोरेंट के सामने, बी लाइन वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से. तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सी एनी वन वॉकिंग इन द ऑफिस. और एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप दोनों का मैं बी लाइन का एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो जो लोग भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो लोग भी कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं. और साइमा और माई सेल्फ और खुरम भाई, जिनको भी जो भी एक्सेसिबल हुआ जैसे भी, वो फिर दे वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगी लाइक करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एज वेल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.